जिला रियासी के टस्कन से पकड़े गए जिंदा आतंकी तालिब हुसैन को लेकर अब राजनीति भी खूब हो रही है। भाजपा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया था कि तालिब हुसैन से हमारा कोई नाता ही नहीं है, लेकिन उसके बाद लगातार कांग्रेस हो, पीडीपी हो, एनसी हो, वो हर मोर्चे पर जाकर बीजेपी को इस समय घेरने पर लगी है। मेरे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, तालिब हुसैन की तस्वीरों के साथ चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, तमाम सड़कों पर हैं, वो कह रहे हैं कि क्या तस्वीरें, झूठ बोल रही हैं। देखिए, नंबर एक तो हमें इस प्रकार की पार्टियों से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का एक अपना करैक्टर है, वो सारी दुनिया जानती है। ठीक बात है कि तालिब हुसैन एक साजिश के तहत यहाँ पर एक पत्रकार बनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों से संपर्क करता कर रहा था और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था। ये तो लोगों ने एक अच्छा कि उसको पकड़ लिया, नहीं तो किसी भी बड़ी घटना हो सकती थी। इससे सतर्क रहना होगा। आज ये सारी जांच NIA के अधीन जब आएगी तो निश्चय ही कुछ बहुत सी बातें सामने आएंगी। ये जो शहीदी चौक तक सीमित पार्टी रह गई है, उनको लोगों ने पहचाना है, लोगों ने जाना है, और उसके बारे में कुछ ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत हमें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी बात खुद बताती है। कह रहे हैं शहीदी चौक तक सीमित पार्टी है, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े कार्यकर्ता है, ये एक मिस कॉल पार्टी है, यही नतीजा है जो आतंकी इनके अंदर आ गए, उन्होंने कभी जाँच ही नहीं की लोगों। देखिए, कोई घटना कहीं भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, और हमने इसको मानना है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है पत्रकार के रूप में तो उसको नकारा नहीं जा सकता। यहाँ तक ये जो फोटो वायरल होने के सवाल है, ठीक है, उसने अपने एक तरीके के साथ लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाए और वो चाहता था, रैकी जो करता था एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था, लेकिन हमारी साफ नीयत के कारण से शायद ऐसा नहीं हो सका, लेकिन उसकी जो एक प्लान थी, एक बड़ा प्लान था। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं रविंद्र शर्मा कि उदयपुर की घटना हो, वहाँ भी बीजेपी का कार्यकर्ता वो निकला और ये भी बीजेपी का कार्यकर्ता, तो साफ तौर पर बीजेपी जो है वो उसका चेहरा जो है वो बेनकाब हो। देखिए, ये लोग क्या कहते हैं, कहने लोग इन पर विश्वास नहीं करते हैं, इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी को लोगों का समर्थन है, भारतीय जनता पार्टी को लोग अच्छी तरह से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है। उसी का परिणाम है कि किस प्रकार से हमने लोगों को पिछले 1.5-2 वर्षों में 450 से 500 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। ये जम्मू कश्मीर में एक नई परिस्थिति बनी है। आतंकवाद पर अगर किसी ने उसको अदालत तक पहुँचाया है या उसका अंजाम हुआ है, उसके रिजल्ट निकले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस हमेशा से आतंकवादियों के साथ खड़ी रही, कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करती रही है, सब जानते हैं। पीडीपी कहते हैं कि आप हमें कहते रहे कि आतंकवादी समर्थक पार्टी है, और ये तो खुद ही निकले आतंकवादी समर्थक, आज वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। देखिए, वो कुछ भी कहें, भारतीय जनता पार्टी का एक अपना करैक्टर है, और आज प्रेस वार्ता के माध्यम से ये सारी चीज़ें हमने क्लियर की हैं। उन्होंने कहा कि इनकी जो NIA जांच नेताओं की भी होनी चाहिए, बीजेपी के नेताओं की, बिल्कुल होनी चाहिए। हम खुद इस चीज की जांच की मांग करते हैं, जो भी चीजें सामने आएंगी वो इनके मुंह पर भी एक तमाचा होगा। तो साफ तौर पे तालिब हुसैन को पकड़े जाने के बाद जहां एक और बीजेपी जो है वो बैकफुट पे है, वही तमाम सियासी पार्टियां इस समय बीजेपी को हर मोर्चे पर घेरने में लगी हैं और कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आतंकी समर्थक पार्टी है। विजिलेंस आशु श्रीवास्तव के साथ ख्वाहिश पटेल, RJK न्यूज़ वायर, जम्मू।